नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लाइफ लेसन्स के माध्यम से अपने जीवन को सफल और सुगम बनाने वाले अपने अभियान में। साथियों, हम सभी जानते हैं कि कंसंट्रेशन और फोकस हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कंसंट्रेशन या फोकस आसानी से नहीं मिलता, लेकिन लंबे अभ्यास और कठिन परिश्रम से लंबे समय के लिए लेजर शार्प फोकस पाया जा सकता है। साथियों, हमारा आज का विषय भी लेजर शार्प फोकस है, या पुस्तक जोना जस्ट द्वारा लिखी गई है। तो चलिए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज के समय में मल्टीटास्किंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें लोग एक ही समय में कई काम करते हैं, जैसे फ़ोन पर दोस्त से बात करते समय कंप्यूटर पर ऑफिस का काम करना। लेकिन मल्टीटास्किंग से हमारा फोकस बिगड़ जाता है। साथियों, हमारे समय का 40% भाग सिर्फ मल्टीटास्किंग में, एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट होने में ही खत्म हो जाता है। इस लॉस को रोकने के लिए एक समय पर एक ही काम पर फोकस करना चाहिए, या आप मेरा दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, जिसमें काम को दो भागों में बांटा जाता है, एक इम्पोर्टेंट काम, दूसरा टेम्परेरी काम। खास बात है कि दोनों कामों को एक साथ करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट काम पर हमें फोकस करना है और टेम्परेरी काम को साथ में चलते रहने देना है। जैसे डायरी लिखते समय टीवी की न्यूज़ देखना, इसमें इम्पोर्टेंट काम है डायरी लिखना, तो हमारा पूरा फोकस डायरी लिखने पर होना चाहिए। टीवी की न्यूज़ बस चलती रहे, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। व्हाट इज फोकस? जीवन में सफलता पाने के लिए फोकस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फोकस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें किसी चीज़ पर बहुत लंबे समय तक ध्यान लगाना होता है। यह सब पर एक जैसा काम नहीं करता, अर्थात हर व्यक्ति की फोकस करने की क्षमता अलग अलग होती है। फोकस करने के लिए आपको हर दिन सीखने और उसे सुधारने की ज़रूरत है। फोकस दो तरह के होते हैं, ऑटोमेटिक अटेंशन और इंटेंशनल अटेंशन। ऑटोमेटिक अटेंशन बहुत थोड़े समय के लिए होता है, ज़्यादातर यह एक मिनट से भी कम समय के लिए होता है। इस तरह का फोकस अचानक होने वाली घटनाओं के लिए होता है, जैसे कि आप टीवी पर कोई न्यूज़ देख रहे हैं और कोई ख़ास न्यूज़ एकदम से आपके सामने आ जाए, जैसे कि कहीं पर बम विस्फोट की घटना। इंटेंशनल अटेंशन तब होता है जब आप किसी चीज़ पर ज़बरदस्ती फोकस करना चाहते हैं, यह भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। अच्छी बात यह है कि आप अभ्यास और परिश्रम से इसके समय को बढ़ा सकते हैं। इस इंटेंशनल अटेंशन या फोकस बढ़ाने के 3 सिद्धांत हैं। पहला है सेटिंग गोल्स फॉर इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर। गोल्स सेट करना जीवन में सफलता पाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह बात किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आपने कई जगह सुन रखा होगा। लेजर शार्प फोकस पाने के लिए अपने गोल को सेट करने के लिए ये 5 स्टेप्स हैं। पहला, सबसे पहले आप अपना गोल सेट कीजिए। आपके गोल आपके अनुसार होने चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गोल आपका अपना होगा तो आप उस पर पूरे फोकस से काम कर पाएंगे। दूसरा, अपने गोल्स को पॉजिटिव में रखें। जिन गोल्स में पॉजिटिविटी होती है उनके सफल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप मोबाइल फ़ोन पर बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं, इसके लिए आप ये गोल ना बनाएं कि हम कल से मोबाइल का उपयोग करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये पूरा होएगा ही नहीं।
इसकी जगह आप यह गोल बनाइए कि आप अपने फ़ोन का उपयोग सिर्फ उपयोगी कामों में करेंगे, फालतू के गेम्स या सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तीसरा है एम्बिशियस गोल सेट कीजिए। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, स्काई इज ए लिमिट, अर्थात पाने की कोई सीमा नहीं होती। चैलेंजिंग गोल्स आपको काम करने के फ्लो मिलाते हैं। फ्लो का मतलब है आप जो काम कर रहे होते हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं, यानी पूरे मन से उस काम को करते हैं। वो हमारा आज का विषय भी तो है, लेजर शार्प फोकस। चौथा, यह पक्का कीजिए कि आपके गोल्स स्मार्ट हैं, अर्थात आपके गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, इलास्टिक और टाइमली होने चाहिए। ये सब आपके गोल्स को स्पष्ट और पक्का ही नहीं बनाते बल्कि आपके फोकस को शार्प भी करते हैं। स्पेसिफिक, आपके पास आपके गोल से जुड़े कब, कहाँ, क्यों, क्या, कौन, कैसे, इन सवालों का जवाब होना चाहिए। जैसे आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन के जवाब में आप हो गए, कब के जवाब में अभी हो गया, कहाँ के जवाब में म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट हो गया, कैसे के जवाब में SIP मोड हो गया या वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया, क्यों के जवाब में बच्चों के अच्छी एजुकेशन हो गई। मेजरेबल, आप अपनी प्रोग्रेस को कैसे मापेंगे, आप मंथली कितना इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न चाहते हैं, इसको कैसे मापेंगे। आप अपने प्रोग्रेस को चेक करते रहिए, ये आपको मोटिवेट करेगा और आपको संतुष्ट रखेगा। अटेनेबल, अपने आप को चेक कीजिए क्या आपको अपने गोल को पूरा करने के लिए पर्याप्त नॉलेज या स्किल है। हमेशा वही गोल चुनिए जिसके आप काबिल हों। रियलिस्टिक, आपको अपने गोल्स को पाने का रास्ता जितना भी छोटा लगे उसे उतना आसान ना समझिए, आपके गोल रियलिस्टिक होने चाहिए। टाइमली, अपने गोल का एक डेडलाइन बनाइए कि कितने समय में आप अपने गोल को पूरा कर लेंगे। ये डेडलाइन आपको मोटिवेट करता रहेगा और साथ ही समय समय पर अपने गोल्स की प्रोग्रेस भी चेक करते रहें, जिससे डेडलाइन के पास आने के बाद भी आप स्ट्रेस में नहीं होंगे। पांचवा, बड़े गोल से शुरू कीजिए और फिर आगे बढ़िए। आपका गोल जैसा भी है उसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, फिर बड़े गोल के नीचे कब, कौन, क्यों, कहाँ और कैसे लिखिए। ध्यान रखिए, गोल के लिए स्मार्ट गाइडलाइंस का पालन कीजिए। उस कागज़ के निचले भाग में अपने प्रोग्रेस लिखते रहिए, फिर बड़े गोल और करेंट पोजीशन के बीच जो गैप है उसको कैसे पूरा करेंगे इसका हिसाब लगाइए। ये स्टेप्स आपको करेंट पोजीशन से अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करेंगे। ये स्टेप्स आपके छोटे गोल्स और माइलस्टोन भी हो सकते हैं। इसमें टाइम फ्रेम और डेडलाइन डालना ना भूलें। साथियों, मैंने इस पुस्तक के नोट्स दो पार्ट में बनाए हैं। पहला पार्ट आज समाप्त हुआ, दूसरा पार्ट मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद।